प्रयागराज शहर के विस्तार एवं विकास की रफ्तार से प्रयागराज के नागरिकों को सुविधाएं मिलने के आसार हैं। साथ ही कानपुर, इलाहाबाद और अलीगढ़ आगरा के लिए प्रस्तावित एकीकृत निर्माण क्लस्टर बनाने की योजना भी है, जिससे प्रयागराज वासियों को बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी। पूर्वांचल उत्तर प्रदेश का वो इलाका जो अपने सियासी रसूख के लिए जाना जाता है। केंद्र की सियासत में अब तक कई प्रधानमंत्री दे चुका उत्तर प्रदेश का ये इलाका कई कद्दावर नेताओं के लिए भी पहचान रखता है। बावजूद उसके सच ये है कि सालों से विकास का इंतजार करता रहा है। प्रदेश में अब तक सालों शासन कर चुकी कांग्रेस, बीएसपी और एसपी की सरकारों ने तमाम वादों के बावजूद इस इलाके की तरक्की के लिए ठोस काम नहीं किया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुकाबले विकास की तस्वीर पूर्वांचल में धुंधली ही नजर आती रही। बुनियादी सुविधाओं के साथ औद्योगिक विकास इलाके में न के बराबर रहा, और तो और स्वास्थ्य और शिक्षा के मामले में भी सरकारों ने इस इलाके के लिए खास ध्यान नहीं दिया, वो भी तब जब गन्ने और खाद्यान्न उत्पादन में इस इलाके का अग्रणी स्थान रहा है। सालों की बदहाली के बाद अब इस इलाके को लेकर बीजेपी सरकार ने विकास का नया खाका खींचने का फैसला किया है। केंद्र और राज्य सरकारों ने इसके लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी में सबसे पहले जिस परियोजना पर अमल किया जा रहा है वो है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना, जिसके जरिए पूर्वी उत्तर प्रदेश के अहम शहरों को जोड़ने की कवायद है। प्रधानमंत्री मोदी की इच्छा के मुताबिक इस योजना को मूर्त रूप देने में प्रदेश सरकार जुट गई है। करीब 23,000 करोड़ की इस परियोजना में 340 किलोमीटर लंबे मार्ग का निर्माण किया जाना है, जिसके जरिए इन रास्तों में पड़ने वाले शहरों की सूरत बदलने की तैयारी है। इस परियोजना को जिन शहरों से गुजरना है उनमें लखनऊ, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, अमेठी जैसे शहर शामिल हैं। शुरुआती तौर पर यह सड़क 6 लेन की होगी, मगर इसे इस तरह का बनाया जाएगा कि भविष्य की जरूरतों को देखते हुए इसे 8 लेन का भी किया जा सके। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जरिए दिल्ली तक की यात्रा को सुगम किया जा सकेगा। इसकी वजह भी है कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे के जरिए दिल्ली तक सफर सीमित समय में करना सुविधाजनक होगा। सिर्फ सड़क ही नहीं बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में रेल नेटवर्क को भी मजबूत करने की दिशा में प्रयास तेज कर दिए गए हैं। इसके लिए भटनी से अनहर तक की 116 किलोमीटर की लाइन, मुजफ्फरनगर सगौली की 100 किलोमीटर की लाइन, सगौली वाल्मीकि नगर की 109 किलोमीटर की लाइन के दोहरीकरण और विद्युतीकरण को मंजूरी दी जा चुकी है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने 4,956 करोड़ रुपए की लागत से 425 किलोमीटर झांसी माणिकपुर और भीमसेन खैरर लाइन को मंजूरी दी है। इसके जरिए झांसी, महोबा, बांदा और चित्रकूट धाम जैसे इलाकों को जोड़ने की तैयारी है, जो 2022-23 तक पूरा होने की उम्मीद है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की जरूरतों के लिहाज से सरकार कई रिहायशी परियोजनाओं को मंजूरी दे रही है। इनमें प्रयागराज में नैनी के पास 1139 एकड़ में फैले सरस्वती हाईटेक जैसे आदर्श टाउनशिप का प्रस्ताव भी शामिल है। इससे प्रयागराज शहर के विस्तार के साथ साथ उसकी बुनियादी ढांचागत सुविधाओं के विकास को भी रफ्तार मिलेगी। मोदी जी के देश का प्रधानमंत्री का पद संभालने के पहले इस देश में एक धारणा थी कि लोग घोषणाएं कर देते थे, घोषणा करने के बाद कुछ समय तक शिलान्यास कर देते थे, लेकिन जो योजनाएं होती थी वो धरातल पर नहीं आ पाती थी। लेकिन माननीय मोदी जी ने इन सब परंपराओं को तोड़ते हुए लगातार विकास का काम किया, और उन्होंने अपनी सरकार में नारा दिया था सबका साथ सबका विकास। उन्होंने ना तो किसी जाति को देखा ना क्षेत्र को देखा। अखिलेश सरकार में इस योजना का खाका खींचने के बावजूद काम शुरू नहीं हुआ, लेकिन इसे लेकर सियासत करने में नेता पीछे नहीं रहना चाहते। हाईटेक सिटी अखिलेश यादव जी की देन है और स्टेट यूनिवर्सिटी भी उन्हीं की देन है, जिसका नाम इन्होंने बदल के रज्जू भैया रख दिया है। वहीं एसपी और बीजेपी के बीच छिड़ी सियासत में कांग्रेस भी अपना संगम करने से पीछे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का बड़ा ही मायावी विकास का मॉडल है ना? उनका जो है ये बड़ा पुराना फंडा है कि गदेला किसी और का और स्कूल में नाम बाप का कोई और का। तो माने ये हाईटेक सिटी का काम जो है ये पूर्ववर्ती जो है अखिलेश यादव जी की सरकार ने कराया था। बहरहाल विकास के इंतजार में पूर्वांचल अपनी रफ्तार से आगे बढ़ने की तैयारी कर रहा है। माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में पूर्वी उत्तर प्रदेश की तस्वीर गुजरे सालों से जुदा होगी।
प्रयागराज से मोइन खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।